नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में 19.8 की जो अपडेट आई है। जैसे कि इस अपडेट के साथ आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट को ऐड किया गया है, AWC फ़ोटो अपलोड करने का। तो इसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे कि AWC फ़ोटो जो ऑप्शन को ऐड किया गया है, इसमें हम किस प्रकार के फ़ोटो को अपलोड करेंगे, कौन कौन से एक्टिविटी का हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, और क्या हम इसका फ़ोटो लाइव अपलोड करेंगे या गैलरी से इसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इन तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो ये 19.8 का अपडेट है, आप लोगों को जैसे मालूम ही है कि पोषण ट्रैकर ऐप की जो मॉनिटरिंग होती है वो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे क्या कुछ चल रहा है। तो इसके लिए अब आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में एक ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है कि आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जब कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन को ऐड किया गया है। जैसे आप डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके जस्ट नीचे ही यहाँ पर दिया गया है AWC फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन। तो अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे उपस्थित रहेंगी, जैसे कि बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन या SCA मॉर्निंग स्नैक जो कुछ भी आप लोग वहाँ पे एक्टिविटी करेंगी उसका फ़ोटो अपलोड करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, कैप्चर AWC फ़ोटो, कैप्चर anyone एक्टिविटी, यानी कि आप इसमें कोई भी एक्टिविटी का जो फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं, सच एज प्रोवाइडिंग SCM डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्निंग स्नैक्स और प्री स्कूल एजुकेशन ETC। यानी कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को कौन कौन से एक्टिविटी को अपलोड करना है, तो यहाँ पे HCM डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब बच्चों को आप हॉट कुक मिल देंगी उस टाइम का फ़ोटो आप लोग अपलोड कर सकती हैं। दूसरा यहाँ पर मॉर्निंग स्नैक्स, जब बच्चों को मॉर्निंग स्नैक्स खिलाएंगी उस टाइम का फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करना है। और तीसरा है आपका यहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि जब आप बच्चों को स्कूली शिक्षा देंगे उसका फ़ोटो आप लोग अपलोड कर सकती हैं ETC। यानी इसके अलावा भी आप लोग कोई एक्टिविटी करती हैं तो उसका फ़ोटो अपलोड कर सकती हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। फिलहाल अभी आप लोगों को ये तीन चीज़ें ही अपलोड करनी है। देखिए लिखा गया है उसके आगे, काइंडली इंक्लूड चिल्ड्रेन हु आर एट द AWC इन द पिक्चर। यानी कि जब आप लोग ये मॉर्निंग स्नैक SCM और प्री स्कूल एजुकेशन का जो फ़ोटो अपलोड करेंगी इसमें बच्चों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यानी कि जो आप लोगों का ये मॉनिटरिंग होता है सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे इसका मॉनिटरिंग किया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आप इसका फ़ोटो अपलोड करें उसमें बच्चों की संख्या दिखानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि फ़ोटो अपलोड करनी कैसी है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर का एक कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो आप लोग अपना एक्टिविटी करेंगे उसका लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करेंगे। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे साइन वाले पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि जो नीचे वाला बटन है सबमिट का, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये काम आपको डेली करना है, यानी कि आप लोग जब जब अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे और आपको डेली जो SCM और मॉर्निंग स्नैक्स और प्री स्कूल एजुकेशन का जो आप लोग एक्टिविटी करते हैं उसका फ़ोटो आप लोग को डेली अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी भी बहुत सारी जगहों पे आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं, जहाँ पे बंद है वहाँ पे तो कोई बात नहीं है, इस प्रकार का फ़ोटो अपलोड करने का कोई झंझट नहीं है। और कहीं कहीं पे सुनने में मिल रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र ओपन किए जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन किया जा रहा है वहाँ पे ये सारा काम करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया फीचर को ऐड किया गया है। आप लोगों को यहाँ पे जो भी काम करना है उसका फ़ोटो अपलोड करना है, तो इस प्रकार से आप लोगों को डेली बेसिस पे ये सारा काम करना है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।